आजादी के 62 सालों में हम कहां पहुंचे। जब इस पर चर्चा चलती है तो अपनी बात कहने के साथ साथ ये भी लाजमी हो जाता है कि हम उस जनमानस को भी टटोलें जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में हो रहे बदलावों का साक्षी है। उत्तर प्रदेश में सीमा आजाद और उनके पति विश्वविजय का कोई एक साल से जेल में है और जमानत पे उनकी रिहाई की गुंजाइश हाल फिलहाल नजर नहीं आती। सीमा आजाद ने लेखन को अपना हथियार बनाया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों की चीरफाड़ करने के लिए दस्तक नाम से लघु पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। सीमा आजाद एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में इलाहाबाद में काफी लंबे समय से काम कर रही थी। जब सीमा आजाद उससे पहले और PUCL से जुड़ने के बाद बराबर जो जन मुद्दे थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, जन मुद्दे थे जिनमें खास तौर पर पुलिस की ज्यादतियाँ और दूसरा जो बालू खनन जो माफिया है वो जो अवैध खनन करता है और जो मजदूरों का शोषण करता है उसके खिलाफ उसने जो है काफ़ी एक स्थानीय स्तर पर मजदूरों को संगठित किया था और उसके मामले को उठाया था। और इसके अलावा सीमा आजाद ने गंगा एक्सप्रेस हाईवे जिसमें किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं उसमें उसकी भागीदारी थी। पुलिस वालों ने उनको नक्सलवादी होने के रूप में या माओवादी होने के रूप में उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो आधार बनाया वो आधार ये था कि सीमा आज़ाद का जो अपना हैंडबैग था, जो पर्स था, उसमें जो है माओवादी साहित्य उसके अंदर था। हमारे संगठन का PUCL का ये कहना है कि सीमा आज़ाद का माओवादियों से कोई संबंध नहीं है। जनता के खिलाफ छेड़ी गई इस लड़ाई में मोहरा बनाया जा रहा है नक्सलवाद को। राजजनित हिंसा की उपेक्षा कर बहस सिर्फ माओवाद या नक्सलवाद पर केंद्रित करके इस देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां और सरकारें अपनी नजरें चुरा रही हैं। दरअसल ये राजनीतिक पार्टियां विकास की अवधारणा को ही भूल गई हैं जिससे जनता की में खुशहाली आती है। मैं अजीत बहादुर, इलाहाबाद से इंडिया अनहर्ड के लिए।